तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर दिए अपने बयान में धर्म गुरुओं पर निशाना साधा है। उनसे ये सवाल किया गया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर धर्म गुरुओं से भी राय ली जाएगी। इस पर चंद्रशेखर राव ने कहा, इसमें धर्म गुरु कहां से ला दिए, धर्म गुरु को मठ में रहना चाहिए, पूजा पाठ और यज्ञ करना चाहिए, इसमें घुसपैठ क्यों। बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर आज एक दिवसीय दौरे पर नागपुर आए थे। नागपुर में अपने कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 30 जून को विपक्षी पार्टियों की बैठक में जाने का भी उन्होंने निर्णय नहीं किया है। अभी उन्होंने इस संबंध में सोचा नहीं है, जब फैसला होगा तब बताएंगे। चंद्रशेखर राव के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि 23 तारीख से पहले ही इसमें फूट पड़ती दिख रही है, क्योंकि अब तक चंद्रशेखर राव ने 23 तारीख को बैठक में शामिल होने पर कोई फैसला नहीं लिया है। बता दें कि वहीं चंद्रशेखर राव ने केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल पर कहा कि बिल्कुल गलत बात है, जो हो रहा है सही नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में ये सही नहीं है, मोदी हो या कोई पार्टी, लोकतंत्र का स्तंभ है, पार्टियां बची रहीं तो लोकतंत्र बचा रहेगा। हमको मौका मिलेगा, जनता हमको मौका दे सकती है, मोदी को मौका मिला, हमको भी मौका मिल सकता है, इतना नीचे गिरना अच्छी बात नहीं, ये निंदनीय है।